Hi guys, welcome back to my channel. This is Ambuj and you are watching my channel Ambuj Live. So you have clicked it again on my video. Matlab aapke paas ek Indian Red Roof Turtle ya Indian Red Ear Slider jo khana nahi kha raha hai aur aap bahut pareshan ho yaar wo khana kyun nahi kha raha hai. Is chakkar mein aapne mere videos pe almost maine 98 comments padhe jisme mujhe pucha gaya ki mera Indian Roof Turtle khana nahi kha raha hai. Oh, tumhe laga shayad ye bahut logon ki problem hai. So मैं let's make a video on it again. मैंने पहले बनाई थी but वो remove कर दी थी मैंने शायद देखना पड़ेगा मुझे एक बार. कोई बात नहीं, चलिए मैं नया नहीं बना देता हूँ नए reforms के साथ नए knowledge के साथ. सबसे पहले जिन जिन लोगों के पास ये वाला turtle है जो नाम नहीं आते इंडियन रूफ टर्टल या देसी कछुआ वो दिखता है ऐसा ये या कैसे ये वाला होगा है ना जो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं. ठीक है, इंडियन रूफ टर्टल और Indian Tent Turtle, they are two distinct species which is found in India. और आपकी नॉलेज बता दूँ मैं, ये दोनों को पालना इलीगल है. ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर आते हैं. तो इसे बेचना, रखना, पकड़ना तीनों ही इलीगल है. अगर आपके पास ये है तो प्लीज़ कोशिश करो कि इसे आस पास किसी पौंड या तालाब में आप छोड़ के आ जाओ. और आपने पाल रखा है या वो किसी वजह से रखा है घर में अपने, सो वो खाना नहीं खा रहा था. फर्स्ट रीज़न, ये वाइल्ड कॉट होते हैं, मतलब ये नेचुरली, मतलब ये किसी फार्म में रेज नहीं करते हैं. रेड ईयर स्लाइडर्स को लोग फार्म में रेज करते हैं बिकॉज वो नेटिव स्पीशी नहीं है, वो अमेरिका की स्पीशी है. ठीक है, तो ये लोग जाते हैं तालाबों से, जंगलों से पकड़ के ले आते हैं और आपको सेल कर देते हैं जो भी बोल के ये लीगल है या इलीगल है, वट एवर जो आप लेके आते हो. 300-500 रुपये जो इसकी कॉस्ट होती है, मैंने देखा 1600 रुपये मेरे यहाँ मिल जाते हैं बड़े ईजिली. मैंने एक बार देखा था, पता सेल कर रहा था, पता नहीं करता है नहीं करता. सो ये आप इजीली ले आते हो आप और अपने घर में रख लेते हो. बट ये कुछ टाइम में शायद वो जो आप देते हैं ना ये टर्टल फूड, कुछ टाइम तो ये खाते हैं टर्टल फूड, थोड़े बड़े होते हैं ना ये खाना खाना छोड़ देते हैं. रीज़न क्या है, इनको वो एडिक्वेट टेम्परेचर, वो माहौल नहीं मिल पाता है. ये ना बिल्कुल डिफरेंट है रेड ईयर स्लाइडर से. होने रेड ईयर स्लाइडर अमेरिकन स्पीसीज है, उसे ना वो भी हाँ मतलब वो भी थोड़ा वार्म वेदर चाहता है बट थोड़ा यूज्ड टू होता है वो ठंडे, क्योंकि वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है. थोड़ी ये थोड़ी ये स्नोज वाले एरिया में जहाँ फ्रीजिंग होती है वहाँ भी रेड ईयर स्लाइडर रह लेते हैं. और पर जो अपना इंडियन रूफ टर्टल है ना, ये बहुत ही वार्म चाहिए इसको, एटलीस्ट 28 डिग्री चाहिए ऑल द टाइम. सो अगर टेम्परेचर का वो पानी का टेम्परेचर या इसका इन्वायरमेंट टेम्परेचर गिर जाएगा ना तो ये खाना खाना छोड़ देता है. ठीक है, प्लस दे रिक्वायर्ड मोर विटामिन डी एज़ कम्पेयर टू रेड ईयर स्लाइडर. इन्हें विटामिन डी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू रेड ईयर स्लाइडर. आप देखोगे ना, जाओगे ना कहीं भी आप ये लोकल रिवर वगैरह या कहीं भी ये अच्छी तालाब में नेचुरल रहती मिलते हो, मिलेंगे ना आपको ये. जैसे मेरे यहाँ पे मुरादनगर नहर के पास जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये ना पूरे लाइन से वहाँ पे बास्किंग करके देखते हैं हम लोग रोड से, उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में और वहीं अच्छे लगते हैं वो, तो उन्हें पकड़िए मतलब वहाँ से भी. तो ये बहुत ही बास्किंग करते हैं, तो इतने रिक्वायर्ड प्रॉपर बास्किंग, अगर वो इन्हें नहीं मिलेगी ना तो भी खाना नहीं खाते हैं. ठीक है, चलिए आप इन्हें अच्छा टेम्परेचर भी दे रहे हैं, बास्किंग भी करा ही रहे हैं, जो आप में 90% लोग नहीं कराते हमें पता है, फिर भी नहीं खा रहा है. रीज़न, डाइट चेंज करिए. पैलेट का यूज़ तो नहीं होते ये लोग, ये लाइव फीड्स खाएंगे, लाइव फिश दो इनको, श्रिम्स दो इनको, या लेटस दो. लोटस पैलेट्स आते हैं, मुझे पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, जो पत्ते से होते हैं ना वो लिली या उसके आपके ये कमलगट्टा उसे शायद बोलते हैं, वो दो इसको आप. ये चीज़ें आम दो, ट्राई करो खाएगा, बट मेरा तो मानना है आप इसे नहीं रखो तो अच्छा रहेगा. फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हो. प्लस ये ना ज़्यादा पानी रहते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जो सेल्स पे, वो आप बीटाडीन से रिमूव कर सकते हो या फिर टर्टल क्लीनर आता है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ले सकते हो. वो ईजिली आपको वो मेथड करने मिलेगा, आप बस अप्लाई करना है और उसको धो देना है. सो अगर ये टर्टल खाना नहीं खाना तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो ना, जैसे कि प्रॉपर बास्किंग दो उसको, टेम्परेचर अच्छा रखो, पानी साफ रखो, प्रॉपर स्पेस दो इसको रहने के लिए, डाइट चेंज करते रहो इसकी. ठीक है, टाइम टू टाइम डाइट चेंज करो इसकी. और ऐसी जो जो यूज्ड टू हो खाने के ना, अगर आप कि ये वाइल्ड कॉट हेल्थ नहीं आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. अब एक चीज़ ध्यान रखो, आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव, आई होप ये जो कमेंट्स का आंसर उससे मिल जाएगा. फिर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा 100%. तो थैंक यू सो मच, मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल संबुज लाइव, साइनिंग ऑफ नाउ.